अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दरक्षा शुएब और लाई हूं आज आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी और उसके साथ गार्लिक डिप। रेसिपी को एंड तक फॉलो करिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप घर में ही बनाएं आसानी से चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट कर लें। बोनलेस चिकन 1/2 kg, 1 egg, 1 tablespoon सॉल्ट, गार्लिक पाउडर 1 teaspoon, 1 teaspoon पेपरिका पाउडर, 1 teaspoon सोया सॉस, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 bread slices, 1/2 cup मिल्क। सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस को छोटा छोटा तोड़कर उसको दूध में सोक करने के लिए रख देंगे। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चॉपर में बना लिया है। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी यूज़ करा है, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आपको पसंद हो तो यूज़ कर लें। और उसके साथ साथ चॉपर में मैंने तमाम मसाले डालकर उसको मिक्स कर लिया है। चिकन कीमे में अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स करना है, उसके बाद 30-45 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। नगेट्स की कोटिंग करने के लिए 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर के लिए लिया है मैंने 1 cup मैदा, 1/4 cup कॉर्नफ्लोर और 1 teaspoon लिया है मैंने गार्लिक पाउडर। इसको मिक्स करके एक साइड कर देंगे। सेकेंड लेयर के लिए लिया है मैंने 1 egg और 3rd layer में मैंने यूज़ किया है ब्रेड क्रम्स और उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको नगेट्स की शेप दूंगी। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के नगेट्स बनाए, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। नगेट्स की शेप बनाने के बाद इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, सबसे पहले मैदे की, उसके बाद अंडे की, उसके बाद ब्रेड क्रम्स। इसी तरह से तमाम नगेट्स को तैयार कर लेंगे। मैंने बड़े साइज़ के नगेट्स बनाए हैं तो मेरे बने हैं 20, अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आपके 25 से ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। ये देखिए मैंने तमाम नगेट्स बना लिए हैं, कुछ मैंने फ्रीज़र कर दिया और कुछ फ्राई कर लिए। नगेट्स फ्राई करने के लिए मैंने खुले पैन में ऑयल लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। लो फ्लेम पर ही नगेट्स को फ्राई करना है जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। चिकन नगेट्स तकरीबन रेडी हैं हमारे, ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। अब साथ साथ हम इसकी डिप भी तैयार कर लेते हैं। डिप बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 1/2 cup मायो, 1 tablespoon केचप, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह और डिप हमारी तैयार है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े के नगेट्स बनते हैं। बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।